एवरीवन दिस इज भारती वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स सो हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर इज ट्रिगनोमेट्री आज हम इसमें करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट क्लास में सीडी फार्मूला डिस्कस किए थे ना उसी के बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं आई होप आपने सीडी फार्मूलास लर्न कर लिए हैं अच्छी सी चीजें समझ ली हैं अगर ना नहीं किए ना फटाफट फड़ से रिवाइज कराओ तभी आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएंगे नोट्स खोल लो और फॉर्मुलाज रिवाइज करने शुरू कर दो आज करेंगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना ये फॉर्मुलाज हमने कल डिस्कस कर लिए कॉस सी माइनस कोस डी का क्या था टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू यही फॉर्मूला करना है इन्होंने यहाँ पे c माइनस डी लिख के नेगेटिव लगा दिया बाहर आप यही फॉर्मूला कर लो कोई दिक्कत नहीं आप ये मत करना हम पे चेंज है दोनों फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए यहां पे इन्होंने क्या किया d माइनस सी नहीं लिखा c माइनस डी लिख दिया लेकिन बाहर नेगेटिव लिख दिया तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा बाहर नेगेटिव लिखना इसलिए आप क्या करना टू साइन सी प्लस डी

क्लियर है चीज साइन सी प्लस साइन डी में पहले साइन फिर कोस साइन साइंसी माइनस डी में पहले कोस फिर साइन कोस सी वाला सबसे प्यारा फॉर्मूला दोनों ही कोस आने वाले हैं स्टार्ट नेक्स्ट चीज़ चलो फिर करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अब कुछ चीजें मैं बताने वाली उनको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चार चीजें ऐड हो रही हैं लेकिन फॉर्मुला तो दो चीजों को ऐड करने का है ना साइन सी प्लस साइन डी तो मैं कौन से वाला किसके साथ अप करूं कौन सा सी लू कौन सा डी लू मेरी बात ध्यान से समझना आपके पास यहाँ चार चीजें हैं तो आप ये देखो किन दो को ऐड करके सेम आंसर आ रहा है टेन और फोर्टी को एड करके कितना आएगा दैट इज फिफ्टी ट्वेंटी और फिफ्टी को एड करके आएगा सेवेंटी दोनों आंसर सेम नहीं है अगर मैं टेन और फोर्टी को एड करू फिफ्टी ट्वेंटी और फिफ्टी को एड करूं सेवेंटी दोनों के आंसर सेम नहीं आ रहे हैं इट मीन ये पेयर अप नहीं हो सकते लेकिन अगर मैं फिफ्टी और टेन को करूँ तो उसका आंसर कितना आता है सिक्सटी और ट्वेंटी और फोर्टी और उसका आंसर भी क्या आता है सिक्सटी तो अगर आपके पास ऐसे चार वैल्यूज हो और दो दो के फॉर्मूलाज हैं तो आपने उनको पेयरअप करना है जिनको ऐड करके आंसर सेम आते हैं तो यहां मैं अप करने का मतलब यह है कि साइन फिफ्टी के साथ साइन टेन लिखूंगी और साइन ट्वेंटी के साथ साइन फोर्टी सॉल्व करने से पहले अरेंजमेंट जरूरी है कौन किसके साथ फॉर्मूले में आएगा किसको सी लेना और किसको ढीले क्लियर है तो ये एक फॉर्मूला इस पे लगेगा और एक फॉर्मूला इस पे देखो क्वेश्चन में टेन और ट्वेंटी आती है इस इसपे फॉर्मूला लगा देना नहीं आपने देखना है ऐसे दो एंगल जिनको एड करके आपका सेम आंसर जैसे फिफ्टी और टेन सिक्सटी ट्वेंटी और फोर्टी सिक्सटी सिंपल फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लर्न किया कि नहीं जल्दी से बता दो टू साइन सी प्लस डी बाई टू आगे कोस सी माइनस डी बाई टू अब यहां पे देखो साइन फिफ्टी प्लस साइन टेन है ना तो टू साइन फिफ्टी प्लस टेन बाय टू और कोस फिफ्टी माइनस टेन बाई टू कोई दिक्कत नहीं है बीच में क्या है प्लस ठीक है प्लस लिख देते हैं बीच में तो यहाँ पे प्लस लिख देते हैं हम ये लिख दिया फिर है साइन सी प्लस साइन डी टू साइन ट्वेंटी प्लस 40 by 2, और कोस ट्वेंटी माइनस फोर्टी बाई टू चार साइन थे पहले दो पे फॉर्मला लगा वो ये रहा बीच में प्लस था वो मैंने ये लगा दिया और बाकी दो पे फॉर्मला लगा वो ये रहा बताओ कोई दिक्कत है तो इसमें नहीं ना चले आगे देख लो पक्का ना चलो फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन करते हैं बहुत सिंपल चीजें हैं अगर ध्यान समझोगे ट्रिग्नोमेट्री इतने इंपॉर्टेंट है कोई भी चैप्टर में में आपको हर क्लास में बता रही करने इंटीग्रेशन ट्रिग्नो काम आएगी तो इसको अच्छे से कर लो आगे देखो क्या आएगा ये बनेगा टू साइन फिफ्टी प्लस टेन बाई टू सिक्सटी बाय टू आ गया आगे कोर्स फिफ्टी माइनस टेन टू दैट विल बी कितना फोर्टी बाई टू आ गया प्लस टू साइन ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी माइनस लिखना बस सिंपल ऐसे ही लिखना क्योंकि कोस ऑफ माइनस एक्स कोज एक्स ही होता है ये मैं आपको पहले भी बता दू यहां पर कोई दिक्कत तो बताओ नहीं चले आगे अब देखो टू साइन सिक्सटी बाय टू थर्टी कोज फोर्टी बाय टू ट्वेंटी टू साइन फिर से यहाँ क्या 30, और कोस 20 कितना यहां पे 10 आ जाएगा थर्टी और कोस ट्वेंटी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अब आगे देखो टू साइन थर्टी ये टू साइन थर्टी इसमें भी है और इसमें भी है कॉमन ले लेते हैं अंदर क्या बचेगा कोस ट्वेंटी कोस टेन प्लस कोस अब साइन 30 कितना होता है? 1 by 2 यहाँ क्या आएगा? कोस 20 कोस अगर अभी तक आपने वैल्यूज लर्न नहीं की तो कर लो ये बहुत काम की चीज है। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल फाइनल आंसर क्या आया? कोस 20 प्लस कोस 10 क्या यही प्रूफ करना था? नहीं हमें तो साइन 70 प्लस साइन 80 प्रूफ करना था। हमारा तो आंसर आया नहीं कोई बात नहीं देखते हैं क्या ये आगे सोल्व हो सकता है हो सकता है को सी प्लस कोसड डी कोस क्या आगे सोल्व हो सकता है बिल्कुल फॉर्मूला लगा सकते हैं अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे मैम राइट हैंड साइड भी तो सोल्व कर सकते थे अभी उस पर भी बात करते हैं पहले यहाँ काम कर लेते हैं को सी प्लस कोस डी सोल्व करते हैं क्या फॉर्मूला होता है टू कोस सी प्लस डी बाई टू कोई टू सबसे अच्छा फॉर्मूला है दैट विल बी टू कोस ट्वेंटी प्लस टेन दैट विल बी थर्टी थर्टी बाई टू कितना आ जाएगा

ठीक है ये तो अभी भी सेम आंसर नहीं है यहाँ पे तो कोस 15 था यहाँ साइन 75 है कोई बात नहीं क्या मैं साइन 75 को लिख सकती हूँ 75 को सिर्फ 75 को लिख रही हूँ 90 माइनस फिफ्टीन इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कुछ चेंज नहीं किया साइन एज इट इज कोस एज इट इज बस 75 डिग्री को मैंने लिख लिया दैट इज नाइनटी माइनस फिफ्टीन पे क्या आ जाएगा टू साइन नाइनटी माइनस थीटा क्या आएगा दैट विल बी cos थीटा एंड cos फाइव डिग्री अब दोनों मैच कर गए बहुत ध्यान समझना ये साइन cos था यहां पे मुझे दोनों cos चाहिए थे तभी दोनों इक्वल होते हैं। सेवेंटी फाइव को मैं लिख सकती हूँ मैथ्स लगाया होता है। देखो, सेम हो गया। इसी के साथ दोनों इक्वल प्रूफ हो गए मतलब फॉर्मुला आने के बाद भी आपको लेफ्ट राइट खेलना आना चाहिए वो कैसे आएगा प्रैक्टिस से आएगा और आप क्वेश्चन क्लास में कर रहे हो सारी चीज समझ लो लेफ्ट राइट खेलना भी आ जाएगा ये चीज क्लियर है पक्का देख लो आप कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा मैम ये टू कोज ए कोज बी का फॉर्मूला भी तो लग सकता है जो हमने सेकंड सेट में समझा था

आपके माइंड में आ सकता है कि मैं किसबी का फॉर्मुला लगा दू नहीं लगेगा क्योंकि टू कोज, A, कोज, B का लगा कि कोज में ही आंसर आएगा कोज ए प्लस बी प्लस कोज ए माइनस बी लेकिन राइट हैंड साइड मुझे कोज में नहीं आंसर प्रूफ करने साइन में करने हैं तो साइन वाला मुझे क्या करना पड़ेगा इससे नहीं निकल सकता तो यहाँ पे मैक्सिमम यही सोल्व हो सकता था बस इससे ज्यादा मुझे नहीं इसको सोल्व करना आ रहा तो राइट हैंड साइड उसे सॉल्व करना शुरू करो दोनों के आंसर इक्वल आ गए क्लियर है चीज कोई भी डाउट इसके अलावा हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन कोई भी दिक्कत हो आराम से चीजें समझो मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर्स निकाल के नहीं जाते आपके लिए सारा थॉट प्रोसेस डिस्कस करके जाती हूँ कि क्या क्या आपके माइंड में आ सकता है या क्या क्या आप इससे रिलेटेड डाउट आ सकते कई बार जो मैं आपको बता रही हूं मेरे बताने के बाद शायद वो आप चीज सोचना शुरू करो लेकिन उससे आपके कंसेप्ट स्ट्रॉग होंगे क्लियर है चीज पक्का इसको यही छोड़ देना है और यहाँ पे सेम आंसर्स आ गए 75 और 15 का मुझे रिलेशन समझ आ रहा था कि 90 वाला है कि नाइनटी माइनस आता है बस वहीं से काम बन गया मेरा मुझे फिफ्टीन चाहिए था वहां सेवेंटी था कोई दिक्कत नहीं है मैं 75 को 90 माइनस लिख देती हूँ कुछ तो बनेगा ही है है बताओ अच्छे से ना तो याद रखना जिनके सम एक जैसे बनते हैं करनी है. 50 की टेन के साथ ट्वेंटी की फोर्टी के साथ ये जरूरी है चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है cos फोर एक्स प्लस कोस एक्स प्लस कोस टू एक्स अपॉन दिस को हमने कोट थ्री एक्स प्रूव करना है बहुत ध्यान से चीजें समझना

लेकिन अगर फोर एक्स प्लस टू एक्स करूंगी सिक्स एक्स बाय टू वो थ्री एक्स बनेगा मतलब अगर मुझे फॉर्मुलस लगाने ये c प्लस डी बाई टू वाले तो मैं उनको लेती हूँ जिनको ऐड करके कुछ ऐसा आए कि जिसको टू से डिवाइड करूं तो एक सिंपल सा नंबर आ जाए ना कि मुझे फ्रैक्शन लेके घूमना पड़े सेवन एक्स बाय ये समझ आ रही है मेरी बात समझ आ रही है बहुत आराम से चीजें समझा रही हूं। तो कोस यहाँ पे चार तो है नहीं कि जिनके सम सेम से बने उसकी पेयरिंग कर लो लेकिन आप उनको उठाओ जिनको अगर टू से डिवाइड करें तो एक सिंपल सा नंबर आए फ्रैक्शन आए फोर प्लस थ्री सेवन सेवन को टू से डिवाइड करूंगी वो सेवन एक्स बाई टू कटेगा तो है नहीं लेकिन फोर प्लस टू सिक्स सिक्स को टू से डिवाइड करूंगी तो थ्री आंसर आ जाएगा तो मैं पेयरिंग करूंगी कोस फोर एक्स की कोस थ्री एक्स साइड में सिमिलरली यहां पे देखो साइन फोर एक्स की पेयरिंग किसके साथ, साथ क्योंकि ये सिक्स एक्स बनेगा जब मैं डिवाइड करूंगी कोई नंबर आएगा तो मुझे दिक्कत नहीं होगी बताओ कोई दिक्कत है यहां तक तो कोई दिक्कत है तो पूछो नहीं पक्का कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो टाइम मेंशन करके आई रिप्लाई नेक्स्ट चीज देखो फॉर्मुलाज लगाऊ लगा हो चुके हैं तो टू कोस प्लस डी बाई टू फोर प्लस टू सिक्स डी बाई टू फोर माइनस टू टू एक्स टू एक्स बाय टू दैट विल बी ओनली एक्स प्लस कोस थ्री एक्स एज इट इज अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लू आप पहले फॉर्मूला लिख के अप्लाई कर सकते हो साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू फोर एक्स प्लस टू सिक्स कब लर्न होंगे जब आप मेरे जितनी प्रैक्टिस कर लोगे इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करने का मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं बस आपको इस फॉर्मूला के टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन लगा लो फॉर्मुला मेरी तरह लर्न हो जाएंगे कोई बड़ी चीज नहीं है प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे लर्न मैंने भी ऐसे ही लर्न किए है। हुए हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर करके माइंड में चीजें बैठी हुई हैं आगे देखो कोस थ्री एक्स क्या है यहाँ से कॉमन है तो मैं कोस थ्री एक्स कॉमन ले रही हूँ अंदर क्या आएगा टू कोस एक्स प्लस वन नीचे देखो साइन थ्री एक्स कॉमन आ रहा है तो साइन थ्री मैंने कॉमन ले लिया क्या बचा टू कोस एक्स प्लस ये मल्टीप्लाई में है ना इसके साथ ये कैंसिल हो सकते हैं दैट विल बी कोस थ्री एक्स अपॉन साइन थ्री एक्स कोस अपॉन साइन कोट होता है कोट थ्री एक्स आंसर है इसका आंसर है तो क्वेश्चन देखने में लग रहा है कितना बड़ा हमें सॉल्व करना है जस्ट फॉर्मुला अप्लाई करो यूं चीजें कट होती है अगर आप कैलकुलेशन ध्यान से क्लियर है चीज क्वेश्चन क्लियर है पक्का लग रहा था इतना इजी क्वेश्चन है बहुत इजी है नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे अगर अभी तक आपको फर्स्ट सेकंड में कोई डाउट है एक बार देख लो और कोई भी डाउट आप मेंशन कर दो तो, ताकि मैं रिप्लाई कर दू फिर इस क्वेश्चन पे आना वो एक लेवल खत्म हो चुका है अब नेक्स्ट लेवल पे आ रहे हैं ये वाला क्वेश्चन एंड ये वाला क्वेश्चन सेम लेवल का है करते हैं स्टार्ट बहुत चीजें ध्यान से समझना बहुत ध्यान से देखो कोस टू एक्स कोज एक्स बाय टू माइनस कोस थ्री एक्स कोस नाइन एक्स बाई टू ये पेपर में क्वेश्चन आ गया मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन से फॉर्मूला का क्वेश्चन है ये कोसी माइनस कोसडी भी नहीं है क्योंकि इनके बीच में माइनस नहीं है या प्लस नहीं है दो कोर्स के बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है। हाँ, यहाँ पर है लेकिन फॉर्मुलस कैसे होता है कोसी प्लस कोसडी की दो कोर्ज में होना चाहिए अच्छा आप कहोगे मैम इन दोनों के बीच में ऐसे नहीं उठा सकते बोर्ड मास नाम की भी कोई चीज है कि ये मल्टीप्लाई में चीजें हैं तो ये एक साथ काउंट होंगी ये नहीं इसको लग छोड़ के सिर्फ इसको इसके साथ काउंट कर लो नहीं बोर्ड मास नाम की चीज होती है तो फिर वो उसमें मल्टीप्लिकेशन की ज्यादा वैल्यू होता है मल्टीप्लिकेशन ऊपर आता है तो ये मल्टीप्लाई वाली चीज अलग अलग नहीं कर सकते

टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर रही हूं क्योंकि जब भी और मल्टीप्लाई होते हैं उनके साथ होना जरूरी है क्योंकि अप्लाई करना है टू कोज ए कोज बी ये फॉर्मूला याद है लास्ट सेट में किया था तो ऐसे क्वेश्चन भी आ है सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन में सी डी फॉर्मूला भी लग रहा है सेट वन भी लग रहा है सेट टू भी ऐसा हो सकता है कि दो सेट इकट्ठे क्वेश्चन में लग रहे हो आपको सारे फॉर्मुला आने चाहिए अब ये टू है वन बाय टू तो मैंने बाहर रख लिया ये टू अंदर जाएगा इससे भी मल्टीप्लाई होगा माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा ना ब्रैकेट की तो टू कोस टू एक्स कोस एक्स बाय टू माइनस टू कोस थ्री एक्स कोस नाइन एक्स बाय टू ये मेरा बन गया बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो नहीं पक्का देख लो अब टू कोजे कोस बी का फॉर्मूला बता दो मुझे फटाफट -फड़ से दैट इज कोज ए प्लस बी प्लस कोज ए माइनस बी मैंने आपको एक चीज याद करवाई थी कि अगर ये दोनों डिफरेंट है तो क्या होता है साइन वाले फॉर्मूला आते हैं लेकिन अगर ये दोनों सेम है तो कोज वाले फॉर्मूला आते हैं सेकेंड सेट में ऐसी चीज याद करवाई थी तो ये दोनों सेम है तो कोज वाला फॉर्मूला आएगा तो यहाँ पे वन बाय टू आ गया टू कोजे कोस बी का फॉर्मूला लगा देते है. कोज ए प्लस बी दू एक्स प्लस एक्स बाय टू प्लस कोस ए माइनस बी कोस टू एक्स माइनस एक्स बाई टू ठीक है फिर माइनस ऐसे जहां माइनस वहां ब्रैकेट क्योंकि माइनस अंदर जाके साइन चेंज करता है माइनस पे ध्यान देना तो मैंने ब्रैकेट लगा दी यहाँ पे क्या आएगा कोस थ्री एक्स प्लस नाइन एक्स बाई टू और कोस थ्री एक्स माइनस नाइन एक्स बाई ये ब्रैकेट और ये बाहर वाली ब्रैकेट एक्स्ट्रा ये वाली ब्रैकेट के साथ ये ब्रैकेट क्लोज हो रही है ये वाली ब्रैकेट के साथ ये अब आप इसे सोल्व करोगे जैसे पहला क्या है टू एक्स प्लस एक्स बाय टू बहुत सिंपली आप इसको टू का क्या लोगे एलसीएम में क्या बनेगा फोर एक्स प्लस एक्स दैट इज फाइव एक्स बाय टू ऐसे करके आप ये सारे सोल्व करोगे ऐसे टू एक्स माइनस एक्स बाय टू सोल्व करोगे थ्री एक्स प्लस नाइन एक्स बाय टू करोगे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूं आप आंसर निकालो फिर मैं सब मैच करना सो so, इन सबको सोल्व करके आंसर आ रहा है वो मैंने यहां लिख दिया कोर्स थ्री एक्स बाय टू एंड में आएगा

कोस फाइव एक्स बाय टू प्लस कोस थ्री एक्स बाय टू माइनस कोस फिफ्टीन एक्स बाय टू माइनस कोस थ्री एक्स बाय टू माइनस अंदर क्या साइन चेंज ये भी माइनस में होगा ये भी माइनस में होगा माइनस और प्लस वाले क्या हो गए कैंसिल वन बाय टू कोस फाइव एक्स बाय टू माइनस कोस फिफ्टीन एक्स बाय टू ये हमारा आंसर आ गया हमने प्रूफ क्या करना था हमने तो साइन में करना है अभी तो प्रूफ आया नहीं देखते हैं क्या आगे हम सोल्व कर सकते हैं जो हमें प्रूफ करना था अभी तक नहीं है तो आगे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि आगे और सॉल्व हो सकता है हो सकता है क्या हो सकता है मुझे ये साइन सी को सॉरी कोज डी दिख गया ये बात समझ आ रही है कि नहीं देखो क्वेश्चन में डायरेक्टिव से नहीं दिख रही थी दो कोज मल्टीप्लाई में दिख रहे थे तो मैंने टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करके उन्हें सेट टू वाले फॉर्मे से सोल्व किया आगे आते आते नहीं आंसर आया प्रूफ वाला हमारा तो कोई बात नहीं दिखते आगे क्या सॉल्व हो सकता है हो सकता है इस पे को माइनस कोज डी लग सकते है, क्या फॉर्म लो कॉसी माइनस कोस डी का टू साइन सी प्लस डी बाय टू साइन डी माइनस सी बाय टू कर देते हैं बाहर वाला कॉसी माइनस कोस डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू सी क्या है मेरे पास फिफ्टीन एक्स बाई टू सी प्लस डी बाई नीचे क्या है टू तो इसके नीचे लिखा है साइन डी माइनस सी बायू फिफ्टीन एक्स बाय टू माइनस फाइव एक्स बाय टू नीचे क्या आ जाएगा टू जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है सी प्लस डी टू यहाँ पे डी माइनस सी बाय अब इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे करते हैं सोल्व मैं एज इट इज यहां नोट कर रही हूँ फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे सो so, मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट कर लिया अब आगे क्वेश्चन करते हैं वन बाई टू टू साइन ध्यान से देखना 5 plus 15, 20. जब दोनों के नीचे नीचे हो हो ना तो आप सिंपल कर सकते हो. 15 plus 5, 20. 20 नीचे जो LCM वाला है वो एक ही बार लिखते हैं और ये वाला टू मैं यहाँ लिख रही हूँ बहुत सिंपल सी चीज है देखो दोनों के नीचे सेम नंबर है जिनको ऐड करना है तो आप नीचे एक ही बार वो लिखो उनको ऐड कर दो फाइव प्लस फिफ्टीन कितना हो जाएगा ट्वेंटी यहाँ पे क्या आएगा साइन यहाँ पे फिफ्टीन माइनस फाइव टेन

नहीं चले अब आगे और डिवाइड हो सकता है ये जो पहले टू से डिवाइड हुआ वो एंगल वाला टू था अब जो ये टू नीचे वाला है वो फॉर्मूला वाला है ये इससे भी कैंसल हो सकता है वन बाय टू टू साइन क्या बनेगा फाइव एक्स और यहां पे कैंसल नहीं हो सकता साइन फाइव एक्स बाय टू टू से टू क्या हो गया कैंसिल आंसर इज साइन फाइव एक्स

मल्टीप्लाई नीचे वाले को उल्टा कर दो टू बाय वन को लिख सकते हैं वन बाय टू ये बात समझा रही है मतलब ऐसे कट करके करना है कट करके कर लो लेकिन ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो ट्वेंटी मैंने वन लगा दिया ताकि ऊपर भी फ्रैक्शन हो जाए नीचे भी हो जा। 20X by 2 लिखा, बन जाएगा फोर फाइव दी ये फाइव एक्स ही आया आंसर फाइनल आंसर फाइव एक्स ही बनना है जिसको ये कटिंग वाला मैथड समझ आ गया बहुत अच्छी बात है नहीं तो ये डिवाइड वाले मैथ मेथड से भी वो बच्चा क्वेश्चन कर सकता है ये चीज क्लियर है पक्का देख लो हमेशा ये चीज होते है मान लो आपके पास थ्री अपॉन फाइव अपॉन सेवन है तो आप थ्री अपॉन फाइव नीचे सेवन अपॉन वन लिखो इसको लिख सकते हैं थ्री अपॉन फाइव इंटू वन बाई सेवन ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाला उल्टा कर दो मान लो ये थ्री फाइव पॉइंट सेवन है आपको डिफरेंस समझ आ रहा है ये एक मैं बड़ा सा लगा रही हूँ लाइन और एक छोटी लाइन लगा रही हूँ इसका मतलब है ये डिवाइड कर रहा है और नीचे फ्रैक्शन है अगर आपके ऐसा कुछ आ जाए ऊपर वाले का सिर्फ एक वैल्यू है ना कोई बात नहीं आप इसके नीचे क्या लगा दो वन नीचे क्या है फाइव बाई सेवन समझ आ रही है जो फ्रैक्शन में नहीं है मान लो एक वाली फ्रैक्शन में ऊपर नहीं है फ्रैक्शन में आप थ्री वन करके बना लो थ्री अट वन एज इट इज इसको क्या करना है उल्टा फाइव ऊपर है सेवन नीचे है ना फाइव नीचे सेवन ऊपर इसका आंसर ट्वेंटी वन बाई फाइव है तो ये दोनों मेथड आप कर सकते हो अगर फ्रैक्शंस कंप्लीट नहीं है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में एक तो फ्रैक्शन दे देते हैं अगर दूसरा कंप्लीट नहीं है वन लगा लो एक तो फ्रैक्शन दे दूसरा कंप्लीट नहीं है वन लगा दो और फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके नीचे वाली वैल्यू ही हमेशा उल्टी की जाती है उसका रहसी कर लिया जाता है क्लियर है चीज मैं आपसे बेसिक चीजें भी साथ साथ डिस्कस करती रहती हूँ कि कोई दिक्कत ना आए ना आज का लास्ट क्वेश्चन बट ये इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से समझना बस इसी के साथ सीडी फॉर्मुलाज भी खत्म हो जाएंगे हाँ जी साइन 8x क्या लिखा है कोज एक्स माइनस साइन सिक्स एक्स कोज थ्री एक्स, ठीक है और नीचे क्या है कोज टू एक्स, Cos x sin 3x sin 4x, बहुत इजी क्वेश्चन है ध्यान से समझना अब यहाँ पे सी डी फॉर्मूला नहीं लग पा रहा क्यों कोई साइन कोज माइनस ही नहीं हो रहे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं माइनस तो हो नहीं रहे ये नहीं मैम फिर से माइनस ले लो नहीं लेते ऐसे ठीक है और वैसे भी कोस सी माइनस साइन डी का कोई फॉर्मुला नहीं है साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी कोस सी प्लस कोस डी को सी माइनस कोस डी ऐसे फॉर्मुला है तो फिर क्या करेंगे लेकिन मुझे पता लग रहा है यहाँ पे ये लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करते हैं टू से ऊपर मल्टीप्लाई टू से डिवाइड क्योंकि सेट के लगेंगे जब भी और मल्टीप्लाई होते हैं और उन फॉर्मूलाज में टू साइन ए कॉस भी टू कोज ए कोस भी ऐसा आता है तो ऊपर टू से मल्टीप्लाई नीचे भी टू से मैंने कर दिया दैट इज टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड ऊपर वाले नीचे वाले वाले वाली वैल्यूज ऐसे ही लिख रही हूं बताओ कोई दिक्कत है तो चले फिर अब क्या करेंगे ये जो टू बाहर आया है वो अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले मैंने क्या किया टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड अब ये वाला टू इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये वाला टू इससे भी मल्टीप्लाई होगा कर देते हैं टू साइन एट है अगर कुछ प्लस माइनस में है ना दोनों को मिलता है वो चीज तो टू इससे पहली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा नीचे टू पहली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा बताओ कोई दिक्कत है तो नहीं चले आगे अप टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला फॉर्मूलाज करने का तरीका बताया था कि अगर दोनों डिफरेंट है तो साइन वाले फॉर्मुलाज आते हैं ये साइन और कोस डिफरेंट डिफरेंट है ना और साइन पहले है तो क्या फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी एट एक्स प्लस एक्स दैट विल बी नाइन एक्स फिर क्या तो साइन ए प्लस बी प्लस क्या आएगा साइन ए माइनस b a tech a माइनस x, x क्या आ जाएगा दैट विल बी मेरा 7x फार्मूलाज आपको आने चाहिए 2 sin a cos b का फार्मूला होता है sin a plus b plus sin a minus b जब भी डिफरेंट होते हैं दोनों sin के ही आते हैं आगे देखो -2 ब्रैकेट लगा लो क्यों क्योंकि यहां पे माइनस है जब भी माइनस होता है तो ब्रैकेट लगती है 2 नहीं लिखना 2 तो फार्मूला में ही आता है आगे देखो क्या करना है ये मेरे पास बना हम्म इरेजर जा ही नहीं रही मैं कह रही क्या हो रहा है देखो ये मेरे पास बना माइनस लगाया अब तू, sin A, B, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोनों डिफरेंट है यही फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी सिक्स ए माइनस बी सिक्स टू कोज ए कोज बी वो होता है कोज ए प्लस बी दोनों सेम सेम वाले हैं जब सेम सेम वाले होते हैं कोज वाला फॉर्मुला लगता है टू कोज ए कोस बी का फॉर्मुला होता है कोज ए प्लस बी दैट विल बी थ्री एक्स प्लस कोज ए माइनस बी दैट विल बी एक्स अपने फॉर्मूला साथ साथ खोलो माइनस टू साइन ए साइन बी दैट विल बी दोनों क्या है सेम वाले सेम वाले में कोस वाला फॉर्मूला लगता है टू साइन ए साइन बी का क्या होता है कोज ए माइनस बी माइनस कोज ए प्लस बी फॉर्मुला आने बहुत जरूरी है यहां यहाँ पे क्या आ जाएगा दैट विल बी कोज ए माइनस बी तो दैट विल बी थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस एक्स माइनस कोज ए प्लस बी फोर प्लस थ्री कितना आ जाएगा सेवन आ जाएगा तो अगर फॉर्मूला पे कमांड है तब चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी इजी हो जाएंगी ठीक है चलो करते हैं फिर आगे ये बनेगा साइन नाइन एक्स प्लस साइन सेवन एक्स ये माइनस अंदर जाएगा माइनस साइन नाइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स आ जाएगा नीचे क्या आएगा दैट विल बी cos थ्री एक्स प्लस कोज एक्स अच्छा कोज ऑफ माइनस एक्स क्या होता है कोज एक्स ही होता है ये माइनस अंदर जाएगा माइनस कोज एक्स प्लस कोज सेवन एक्स इस कोज ऑफ माइनस एक्स ने कोज एक्स ही बनना था ठीक है ये माइनस अंदर गया माइनस कोज एक्स बन गया अब देखो यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है साइन नाइन एक्स कैंसिल हो रहा है नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है कोस एक्स कैंसिल हो रहा है वे लेफ्ट साइन सेवन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स हांजी पहुंच गए और नीचे क्या लिखा है सेवन माइनस थ्री ऊपर है नीचे क्या लिखा है कोस थ्री एक्स प्लस को सेवन एक्स अब समझ आ रहा है इसमें कौन सा फॉर्मुला लग सकता है क्योंकि जो प्रूफ करना है वो तो बना नहीं देखो प्रूफ है करना है टेन टू एक्स वो तो बना नहीं फिर फॉर्मुला कौन सा लगेगा इस पे वो अब देखते हैं आप बताओ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मुला लगा दें

सेवन प्लस थ्री टेन टेन बाय टू फाइव आ गया फिर उसके बाद क्या आएगा कोस सी माइनस डी बाय टू माइनस फोर एक्स बाय टू। मैंने पहले क्वेश्चन फॉर्मुला लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करा दिए अब आपको थोड़ा थोड़ा खुद से फॉर्मुला लिख के अप्लाई करना और देखना ये आंसर आ रहा है कि नहीं ये बनेगा टू कोस फाइव एक्स साइन टू एक्स यहाँ क्या बनेगा टू कोस फाइव एक्स ये कोज ऑफ माइनस टू एक्स बनेगा लेकिन कोज को नेगेटिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता हम सिंपल कोज ऑफ टू एक्स लिख सकते हैं क्योंकि कोज ऑफ माइनस एक्स कोज एक्स ही होता है टू से टू कैंसल कोज फाइव एक्स से कोस फाइव एक्स कैंसर साइन टू एक्स अपॉन कोस टू एक्स बचा अब एक बार देखो साइन अपॉन कोज क्या होता है टेन होता है दोनों के एंगल भी सेम है इसीलिए मैं ऐसे लिख पा रहे हैं दैट इज टैन टू एक्स इसका आंसर है और यही मुझे प्रूव करना था तो चीजें सिंपल और इजी है अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से अप्लाई करना आता है फॉर्मूलाज पहले लर्न होने चाहिए फिर अप्लाई करने आने चाहिए और फिर कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए ये प्रैक्टिस से चीज होती है इसी के साथ सी डी फार्मूलाज भी हो गए लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूला पढ़ा है स्टार सेट ऑफ फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे चार सेट हैं फॉर्मूलाज के फर्स्ट हम कर चुके हैं सेकेंड कर लिया थर्ड आज किया दैट इज सी डी अब हम फोर्थ करेंगे स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला जो फर्स्ट सेट था उसमें हमने साइन ऑफ ए प्लस बी इनकी बातें की थी इसमें हमने टू साइन इन सब चीजों की बातें की थी यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी इनकी बातें है की हैं अब इसमें स्टार सेट में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं बहुत सारी चीजें आपने सीखनी है लेकिन उससे पहले जो जितने भी पार्ट किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आने चाहिए तभी आप फोर्थ पार्ट अच्छे से कर पाओगे आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लग रहे हैं डिफिकल्ट लग रहे हैं या लेंथी लग रहे हैं इसको रिपीट कर लो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते बस प्रैक्टिस डिमांड करती है हर चीज आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज मैस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग